यह है HP का नेवर स्टॉप लेजर प्रिंटर, जिसका मॉडल नंबर है MFP 1200W। HP ने यह नया लेजर प्रिंटर लॉन्च किया है। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें टोनर हम बहुत फास्ट फिल कर सकते हैं, केवल 15 सेकेंड। इसका रिफिल टोनर 750 से 800 के बीच मिल जाएगा, जो कि 2500 प्रिंट कंपनी का दावा है। आइए देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग करके अंदर से कुछ कैसा दिखता है। ये आपका पावर केबल है, ये पेजेस ट्रे है इंटरनल वाला, और ये पेजेस ट्रे है कवर करने वाला। ये USB केबल है कंप्यूटर से अटैच करने के लिए। ये HP का डॉक्यूमेंट्स डिटेल है, इंफॉर्मेशन बुक्स है। ये इस बुक में आपको जो स्क्रीन पर बटन है उसके पूरी डिटेल दी गई है, कैसे चलाना है इसे। ये है HP का मेन पार्ट, इस बॉक्स का मेन पार्ट। ये देखिए, दिखने में काफी स्टाइलिश है ये प्रिंटर, कॉम्पैक्ट स्क्वायर साइज। यह फ्रंट लुक, ये पेजेस ट्रे इंसर्ट करते हैं हम। यह है कवर, पेपर कवर। ये काफी अच्छी चीज है पेपर कवर, जिससे पेजों में डस्ट नहीं जाएगा। ये HP का टोनर रिफिल इंडिकेटर है, जिसमें आपको बताएगा कि कितने रिफिल बच गए हैं। ये प्रिंटर का बैक साइड है, जिसमें ये एक पावर केबल और ये दूसरा पोर्ट USB कंप्यूटर अटैचमेंट। यह है इसका स्कैनर पार्ट, स्कैन एंड कॉपी करने के लिए। यह है दूसरा सेक्शन, जिसके अंदर कार्टेज और रिफिलिंग सेक्शन है, फास्टेस्ट रिफिलिंग सेक्शन ये एरिया है। ये इसका मेन ड्रम सेक्शन है, ये इसी पे रिफिलिंग सेक्शन भी है, और ये पूरा किट है कार्टेज
ये कभी कभी पेज फंस जाएगा तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। फिक्सर लगा देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं। अब इसको हम चला कर देखते हैं। ये पावर देने के बाद पहली बार रिलोड हो रहा है मशीन। ये देखिए इंडिकेटर रिफिल शो कर रहा है फुल। दो पार्ट में है, दो रिफिल एक साथ इसमें फिल होता है। ये पेपर ट्रे है, इसमें हम 150 पेजेस एक साथ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रिंटर रेडी हो गया है। ऊपर इंडिकेटर कीज है जिसमें पेज फंसने, पैनल स्कैन पैनल उठाने और इंफॉर्मेशन डिटेल दिखाने के लिए। ये आपका नंबर ऑफ कॉपीज के लिए है, जैसे कितने पेज प्रिंट करने हैं उसके अनुसार चार करके देन कॉपी वाला की प्रेस करके नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाने घटाने के लिए है। 99 कॉपी एक टाइम पेज में कर सकते हैं। उसके बाद ये अप एंड डाउन, देन ये ब्राइटनेस, ये उस प्रिंट के कलर को डार्क और लाइट करने के लिए है। ब्राइटनेस लाइट एंड डार्क, डार्क करने पर प्रिंट रिफिल आपकी जल्दी खत्म हो सकती है। इसको हम 3 पे रखेंगे। ये आपकी कॉपी की है, ये आपका आईडी कार्ड की है जिसमें हम आधार कार्ड, पैन कार्ड या डबल साइडेड चीजें प्रिंट करते हैं जो एक ही टाइम पे कर सकते हैं बैक टू बैक। पेजेस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका कैंसिल बटन है, ये आपका वाईफाई की है, ये आपका वाईफाई डायरेक्ट और ये पावर। एक पेजेस हम प्रिंट करके देखते हैं। ये पेजेस इस में प्रिंट की साइड इस साइड से प्रिंटिंग होती है, इसकी इधर से करने पर कटिंग हो जाएगी कुछ एरिया। इसके अंदर एक जूमिंग की भी है जिसमें पेजेस के प्रिंटेड को हम जूम कर सकते हैं। इसमें 3 मोड है, मतलब बीच वाले जो ट्रिपल बटन है, ट्रिपल डॉट की जो है, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, ब्राइटनेस और जूम, प्रिंट का बटन दबा दिया अभी हमने। ये देखिए कितना जल्दी प्रिंट हो गया। ये हमने ब्राइटनेस डाउन किया था, फिर भी बेटर प्रिंट दिख रहा है। ये ऑटो स्लिप मोड फंक्शन है इसके अंदर, जो
यूज़ ना होने पर ये स्लीप मोड में चला जाता है, जैसे ही हम स्कैनर की उठाएंगे ये ऑन हो जाएगा। अब हम फोटो आईडी को दो साइडेड प्रिंटेड करके दिखाते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। इसको सेंटर में यहाँ रखते हैं, और ये फोटो आईडी प्रिंट कर ये पहला पेज रिलोड होने के बाद ये बोलता है स्कैनर की को अप करके सेकंड बदलने के लिए ये उसी जगह पे हम चेंज कर सकते हैं, इसमें यही फीचर है। और देन ये वाला प्रेस ग्रीन बटन जो बता रहा है इसको दबाएंगे, टू साइडेड प्रिंटिंग इन वन टाइम। इसके यही सब फीचर है, इसमें एक फीचर नहीं दिया गया है कि इसमें डॉक्यूमेंट फीडर का ADF का फीचर नहीं है, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ पेजेस एक बार में प्रिंट कर देते हैं रिलोड करके। इसमें एक ही एडवांस चीज़ है जो कि एक ये रिफिल इंडिकेटर और रिफिलिंग का ये सेक्शन, जिसमें हम टोनर को 15 से 20 सेकंड में रिलोड कर सकते हैं। ये आपका डिस्प्ले सेक्शन है, ये वाईफाई ऑन करके हम मोबाइल के थ्रू किसी भी कहीं से भी हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और एक है विदाउट वाईफाई नेटवर्क के, वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। ये इसमें पिस्टन है जो कि इसको पुश करके हम रिलोड करते हैं। देखिए हम रिलोड करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए थ्री डॉट को हम इसके अंदर पिन करेंगे, देन मूव करेंगे, लॉक करेंगे, देन ऊपर से पुश करेंगे और देन अनलॉक करेंगे, और ये हो गया लोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सब न्यूज़ इन्फो।